त्याग करा भी। वाहेगुरु जी ने चाहिया तो मैं आप सोने के महल खड़े कर लवांगी। अपनी धी लई जिहड़ी सट मैं गुरमन दे मारना चाहती सी ना, अज मेरी नूह ने मार दिती। पता है ते इहदा दर्द इन्नी छेती जाण वाला भी नहीं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਖੀ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ बाबा जी, मेरे पोते ते नूह नूं हमेशा बुरी नज़र तो बचा के रखियो। मम्मी जी, थानू हुण मिर्चां वारन दी लोड़ नहीं। आलू वालिया खानदान नूं लगण वाली हर बुरी नज़र नूं मैनूं रोकणा आउंदा है। शम्मी, मैनू माफ कर दे प्लीज। मैनू पता है तू समझदा सारे हालात नू। मैनू तेरा दिता तोहफा वापस नहीं सी करना चाहिदा। तू कीरत लई लैके आया सी। गुरमत, तू मेरे तो माफी क्यों मंगदी पई आ? माफी तो उल्टा मैनू तेरे तो मंगनी चाहिए आ प्रभजोत दे वतीरे लई। मेरे को तो शब्द भी है नहीं, मैं तेरे को माफी किदां मंगा। मैं किरत लई जिन्ना भी कर लवा सब मैनू घट लगदा। सचमुच साढ़े घर की लक्ष्मी आ। मेरे पापा जी की एक आदत सी, वो हर साल सोने का सिक्का खरीदते सी ते मैनू कहिंदे सी 20 साल बाद जदों किरण वड्डी हो के इत्थों ब्याह के जावेगी मैं सारे इकट्ठे किए हुए सिक्के उहदी डोली तो वार के झोली च पा देने। पर किरण ने ब्याह करवाण तो साफ साफ मना कर दिता। फिर उन्होंने मैनू वह सिक्के देंदे हुए कहा सी कि जे तेरे घर धी हुई तां तूं उहनूं वह सिक्के दे दी। तुहानूं तां पता ही है कि कीरत ही मेरी धियां वर्गी है। ते उहदे पहले साल दा पहला सिक्का मना ना करना प्लीज।
शमी ये बहुत कीमती है यार, तेरे लिए थोड़ी है, कीरत नूं पुछ के देख, ओदे लई है, लै फड़। मैनू ना यारी बहुत महंगी पैंदी आ रही है, यारी यारी विच सरदार जी ने सब कुछ लुटा दिता, हुण शमी शमी भी इसी पैट ते है। तुसी बस रंगी दे रंग वेखो, यह सब ड्रामा ना आज मैं खत्म कर देना है। सत श्री अकाल जी। हो सब ठीक ठाक? हाँ जी हाँ जी, वधिया वधिया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये तो अपने फैमिली लॉयर ने, इन्हां नूं किसने सद्या? मैं सद्या जी इन्हां नूं। क्यों? क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टी ना अपने सरताज दे नाम करवानी है। वो तो पहले ही हो चुकी है, साड़ी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अपना बेटा सरताज ही तो है। तुसी जो कुछ दूजे लोगों से वंड रहे हो ना, मैनू लगता है साढ़े सरताज ने एक दिन सड़क पर आ जाना है, मैनू हुणे तो ही ना इहदे हक का ध्यान रखना पैना है। मैं इहो जिहा की कर दिता जिहड़ा मेरे ते इल्जाम लग रहा, नाले मैं फालतू की उड़ा दिता। हो सकता है कि वह थानू फालतू ना लगे ते ना उन्हां लैण वालियां नूं भी जिहड़े झोलियां अड्ड अड्ड के लै रहे ने, पर मैं अपने बच्चे दे ना आउण वाले वक्त नूं देख लिया। मैनू लगता है कि साडे बच्चे नूं भीख ही मंगनी पएगी। रब दा वास्ता बोलण तों पहलां सोच लिया कर। मैं हमेशा सोच समझ के ही बोलदी हां, जिहड़े असूलां ते तुसीं चल रहे हो ना उन्हां असूलां नाल साडा बच्चा कदी तरक्की नहीं कर सकदा। तुहाडे यारियां वाले असूल ना साडे बच्चे ते एक दिन भारी पै जाणगे ते इहदे हत्थ खाली रह जाणगे। मैं अपने मुंडे दा केड़ा हक मारता जिहड़ा तू इह सब बोल रही आ? तुहाडे इह वड्डे दिल वाला बणन दे चक्कर च ना सानू किसे दिन दूजिआं तों छोटा कर देणा, फिर थानू पछतावा होना है, फिर तुहाडे तों पछतावे तों बिना ना कुछ नहीं रह जाना। मैं होर की मंग रही हाँ, अपने बच्चे का हक ही तो मंग रही हाँ जो उन्हें मिलना चाहिए। की थानू कोई परेशानी उन्हें देने विच? जे तुसी दोनों हाथी एदे ही वंडदे रहे ना ते तुहाडे दोनों हाथ खाली हो जाएंगे, ते नाले पूरा शर्म नहीं है ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਕਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ? हाँ जी हाँ जी जरूर। बस तुसी ओही लिखो जो मैं थानू कह रही हूँ। जदों मैं बच्चे बदले सी तो मैनू लग्या सी कि दोवें बच्चे इको घर विच रहेंगे, पर जे सारा कुछ सरताज का हो गया फिर तो किरत नाल इंसाफ नहीं होना, मैं ये नहीं होण देंगी। एक मिनट वकील साहब। मैं तुहाडे तों पुछना चाहुंदी आ कि तुहाडे कोल स्वर्ण अंकल जी वाली वसीयत है? हाँ जी है। तुसी पढ़ के सुना सकदे हो? जरूर। स्वर्ण सिंह जी ने अपने वसीयत लिखा है, मैं स्वर्ण सिंह अपने पूरे होशो हवास विच मैं अपना उपर वाला घर ते अपनी पुरानी फैक्ट्री अपने दोस्त गुतेज दे इकलौते पुत्र मनिंदर दे नाम करदा हां। अच्छा जी,
आ गई ना अपनी असली औकात ते। मैनू पहले ही पता सी कि तुसी सिर्फ प्रॉपर्टी दे भुखे हो। मां दी भुख सिर्फ अपने बच्चे लई हुंदी है। जो तू कर रही है एक मां होके अपने बच्चे दे भविख लई कर रही है, ते मैं भी एक मां होके अपने बच्चे दे आने वाले कल दी फिक्र कर रही है। तू बच्चे दे मोढे ते बंदूक रख के ना चला। तेरा तो पहले ही इरादा सी इस घर विच महाराणी बन के राज करन दा। तेनू किसे दी कोई फिक्र नहीं। वकील साहब, मैं चाहनी हाँ कि जिहड़ी प्रॉपर्टी मनिंदर जी नू मिली है वो सब मेरी धी दे नां कर दो बस। बुड्ढे बंदे दी सेवा दा नाटक करके तू सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। वकील साहब, इन्हें तो कानून नू भी धोखा दिता है। मैं तो सरदार साहब नू बथेरा समझांदी हुंदी सी कि हर वेले दिल तो नहीं कदे कदे दिमाग तो भी सोच लेना चाहिए। मां प्रभ तुसी गल नू होर ना बताओ। हाँ हाँ असी लड़ाके हाँ, ये तो बहुत भोली है। वकील पाजी तुसी ओही करो जो मैं तुहानू कह रही हाँ। वकील साहब तुसी इन्हां दी ना सुनो, तुसी ओ करो जो सही है। मैनू मेरी बच्ची का हक चाहिए बस। गुरमन मनिंदर जी तुसी दो मावां दी लड़ाई च ना आओ प्लीज। इत्थे मेरी बच्ची दी जिंदगी दा सवाल है। हाँ हाँ तुसी सारे वेख रहे हो ना तमाशा कि किद्दा किसे दे भोले चेहरे पिछे ना शैतानी दिमाग छुपिया हुंदा है। अज वेख रहे ना सारे जने इहदे की इरादे सी। शम्मी जी तुसी वेख्या कि नहीं, जे हजे भी दोस्ती दी पट्टी बन के अपने आप नूं अन्या करके तुरना ना फिर तुहाडी मर्जी है। ये सब कुछ बहुत होशियारी नाल कर रही है। ये भोली नहीं, भोले असी हाँ। यह सब नूं बेवकूफ बना रही है। कुछ समझे शम्मी जी? वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपनी बेटी का हक दस रही है जो उसका बनता है। अज तो पहला मेरे दिमाग च कदे सब नहीं आया, पर अज जदों मैं तैनू अपने बच्चे दे आने वाले कल की फिक्र करते देखा तो मैनू लग्या मैनू भी अपनी बच्ची बारे सोचना पैना। तू जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। एक मां नू अपने बच्चे की फिक्र होनी चाहिए है, फिर मेरे ते गुस्सा क्यों? मैं भी तो तेरे वांगू एक बच्ची की मां। मेरा फिक्र करना भी तो बंद आ ना। बस जिहड़ी प्रॉपर्टी ते मेरी बच्ची का हक है मैं वो हक मंग रही हाँ। तुहाडी दोस्त इन्ना कुछ बोल रही है कि तुसी कुछ नहीं बोलोगे? सब कुछ तो साफ साफ दस रही हो, मैं की बोलना? नाले सारा ड्रामा ना तेरा बनाया होया। की अपने बच्चे दे हक बारे सोचना गलत है? तेरे दे विच ओ भी कितना गलत आ, ओ भी तैही सोच रही आ, ओ भी तो अपनी बेटी दे हक दी गल कर रही ना। नाले मैं कानून नाल चलण वाला बंदा आ। पहला तो जो मेरी पापा जी दी वसीयत विच लिखिया ना वो ओही रहेगा। मैं अपने पापा जी की वसीयत के खिलाफ बिल्कुल नहीं चाहूंगा। जे तुसी सारा कुछ इनू देने का इरादा ही करी बैठे हो फिर मैं की कर सकती हाँ। चलो घट्टो घट सारयां नूं गुरमन का असली चेहरा नजर तो आया। प्रभजोत, मैं तेरे इस वतीरे के पिछे के कारण नूं चंगी तरह वेख सकती हाँ। जदों भी मेरी कीरत नूं कुछ मिलदा तू दुखी हो जानी है। बाकी मैं जो दिल तो हाँ उही मेरे मुँह ते हुंदा। मेरा कोई इरादा नहीं किसी नूं दुखी करन दा। मैं बस अपनी धी दे हक की गल कर रही हाँ। स्वर्ण अंकल जी की वसीयत के मुताबिक जो पुरानी फैक्टरी ते उपर वाला घर वो मेरी धी दे नाम कर दो बस। बस हुण तू हद्दां टप रही है। मैं कुछ भी फालतू नहीं मंग रही।
मैं बस अपनी धी के हक की गल कर रही हूँ। शम्मी जी मैं ये सब हो नहीं देना, मैं इस घर का बंटवारा नहीं हो देना, चाहे ओदे लिए मैंने कुछ भी करना पै जाए। या तो इस घर विचों ये जाणगे या मैं चले जाना सरताज नूं लैके, सोच लो। चंगा फिर वसीयत मैं तुहानूं पढ़ के सुनाती, तुहाडा जो भी फैसला होवे मैनूं दस देना, मैं चलना। जे ये इत्थे रहे ना ते मैं दूर चली जाना है, फिर तुसी सारे तरसोगे सरताज नूं वेखण लई। प्रभजोत तू क्यों रिश्ते नूं वंडण ते लगी होई आ? मनिंदर गुरमन ते कीरत साडे परिवार दा हिस्सा है, तू क्यों परिवार नूं वंडण ते लगी होई आ? छड़ जान दे यारा, कोई भी गल दिल ते ना लाई, सब ठीक हो जाना। शम्मी पानी तू ठीक है पुत्र? पर तुहाडे रहिंदे ही किद्दां ठीक हो सकदा है? शम्मी जी अज थानू एक पासा करना ही पैना है, थोड़े लिए कौन कीमती है? मनिंदर गुरमन किरत या थोड़ा मुंडा ताज, सोच लो शम्मी जी। ये हूँ पक्का ते साफ है कि असी सारे हूँ एक छत थले नहीं रह सकते। प्रभजोत जी शम्मी ते होर जोर ना पाओ, तुसी क्यों इनू ते फैसला लैण लई मजबूर कर रहे हो? तुसी दोनों शम्मी दीआं बाहां हां, कोई बंदा अपनीआं दोवें बाहां किद्दां वंड सकदा है? तू वकील बन के ना सलाह ना दे, मैं अपने घर वाले नाल गल कर रही हां, जिन्हां ने लावा लैण लग्या ना मैनू बहुत सारे वादे किए, बस मैं उन्हें वादिया पूरा करवाना चाहनी हाँ। शम्मी तू हले भी सोच रही है? तू अपनी घरवाली का कहना मन तो इन्होंने दोनों इतों जाने वास्ते कह दे। क्योंकि मैं अपनी नूह इस खानदान के इकलौते चिराग नूं करो जान नहीं देना। पुत्र तू अपने दिल से पत्थर रख के आज फैसला कर ही दे, नहीं तो रिश्तों की कुटन तू हमेशा महसूस करता रहेगा। ते हौली हौली खुद नूं होर बीमार करता जाएगा। शम्मी जी मैं थोड़ी चुप्पी तो समझ गई हाँ कि थोड़ा की फैसला है। जे कदे गल करन दा मन करे ना तो मेरे पेके आ जाना। पापी पापी तुसी घर छड़ के क्यों जाओगे? जान ओहो जिन्हां दा घर है नहीं, तुसी साडे घर नूं वारिस दित्ता है, इस घर ते तुहाडा पूरा हक है। जिन्हां दे मूंह मैं सुनना चाहुंदी आ ओह तां चुप्पी धारी बैठे है। उन्हां दे दिल विच सिर्फ ते सिर्फ मनिंदर ते गुरमन है, मेरी ना तो उन्हां दे दिल विच जगह ते ना इस घर विच, मैनू जाना ही पैना है। रुको प्रभजोत,
तुसी नहीं, असी घर छड़ के जाने हैं।